पानी की भी टेस्टिंग करके दिखाते हैं क्या रियलिटी है इसमें। नमस्कार, आज हम कुबोता एजेंसी भिवानी और आज आपको दिखाएंगे कुबोता 4501 का हम रिव्यू करेंगे और इसकी खासियत जो जो भी फीचर हैं इसके उन सभी के बारे में आज हम बात करेंगे। थोड़ा इसका मैं आपको लुक दिखा देता हूँ, बाद में अंकल जी से बात करेंगे इसमें क्या क्या खासियत है और इसका रेट क्या है, क्या प्राइस में आपको ये मिल जाएगा। तो अभी दिखाता हूँ मैं इसके चारों तरफ का, आपको काफ़ी गजब लुक में ये ट्रैक्टर आता है और आप देख सको खासियत इसकी, और कलर में भी और बॉडी में भी अच्छा ट्रैक्टर आता है और ये लुक है। साथ में हमारे अंकल जी हैं भिवानी से, कुबोता एजेंसी से, तो आज अंकल जी से हम बात करेंगे और अंकल खासियत बताएंगे इसमें क्या क्या खासियत है। तो अभी मेरे साथ अंकल जुड़ गए। अंकल जी, इसके बारे में बताओ क्या क्या खासियत है और ग्राहक के लिए कितना अच्छा काम करेगा ये, किसान के लिए, हमारे जो भाई किसान हैं जो नया ट्रैक्टर लाने के लिए सोच रहे हैं, तो वो क्या सलाह दोगे इसके बारे में आप। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जापान की टेक्नोलॉजी है, जिस पर हम आज से नहीं, पिछले काफ़ी कई दशकों से आंख मीच कर विश्वास कर सकते हैं। जापान की टेक्नोलॉजी अपने आप में बेहतरीन टेक्नोलॉजी कहलाती है, और ये कुबोटा जो है जापान की बेस कंपनी है, उसकी टेक्नोलॉजी है, उसके आधार पर बनाया गया है। इसमें काफ़ी चीज़ें स्पेशल फीचर्स दिए गए हैं जो कि किसान के लिए काफ़ी हितकारी है। खरीदने के समय ये ट्रैक्टर महंगा जरूर है, लेकिन मेंटेनेंस और रख रखाव का इसका खर्चा काफ़ी कम है। जो चीज़ें बाद में किसान को परेशान करती हैं, बार बार मेंटेनेंस वगैरह आना या फिर और किसी टूट फूट की, तो जो जो चीज़ें संभावित जो नुकसान होने वाली चीज़ें होती हैं, उनको यहाँ स्पेशल प्रोटेक्शन दी गई है। आप यहाँ मेरी तरफ थोड़ा कैमरा लेके आइए, ये हाइड्रोलिक फिल्टर है, इसकी डिफेंस के लिए अलग से सुरक्षा गार्ड लगाया गया है। ये किसी ट्रैक्टर में नहीं हाँ, मिलता। किसी ट्रैक्टर में नहीं मिलता है। इसी तरह से ये डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग का हाइड्रोलिक है, हाँ जी, इसके नीचे हाँ ये प्लेटफॉर्म किस, बनाया गया है ताकि नीचे से कुछ इसको टच नहीं करे, ये वाइब्रेट नहीं करे, हिलेगा नहीं तो लीकेज नहीं करेगा, लीकेज नहीं होगा तो डैमेज नहीं करेगा। ये तो काफी अच्छा सपोर्ट लगा रखा है। हाँ, कंपनी चाहती तो ये पैसा घटा के, ये इसको हटा के, इसको हटा के, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो इनको हटा के ट्रैक्टर को सस्ता जरूर कर सकती थी, लेकिन सुरक्षा से समझौता करना कंपनी को नहीं जमता है। वो कंपनी नहीं चाहती कि किसी भी प्रकार का समझौता करे। हर प्रकार की कुछ स्पेशल फीचर्स हैं, जैसे सुरक्षा गार्ड है, ये वाला है, वुमेन लाइफ को देखते हुए साइलेंसर को भी प्रोटेक्शन दी गई है ताकि किसी को डायरेक्टली बॉडी को डैमेज नहीं करे। इसके आप अंदर आइए, इसमें रेडिएटर की सुरक्षा के लिए, रेडिएटर महंगा आइटम है, हाँ इसकी जी, सुरक्षा के लिए अलग से जाली दी गई है ताकि डैमेज नहीं हो। कंपनी को जहां भी इसके अंदर से पानी नहीं चला जाए, इसके ऊपर ये कैप लगा के दी है। मतलब हर बार कंपनी को जो भी कुछ चीजें नजर आती हैं, कहीं पर भी कोई चीज नजर आती है, तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करती है। सेल्फ जो है इसका काफी छोटा सेल्फ दिया गया है, और इसकी खासियत यह है कि आप 125 सीसी से ऊपर का जो कोई भी मोटरसाइकिल है, आप उसकी बैटरी से भी ट्रैक्टर को स्टार्ट करना चाहोगे तो स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा जी, इसके अंदर पंप की सुरक्षा के लिए डीजल टैंक के अंदर एक सेंसर लगाया गया है, जो कि टैंक के अंदर से डीजल खत्म होते ही ऑटोमेटिक इंजन को बंद कर देता है ताकि पंप हवा नहीं ले, और हवा नहीं लेगा तो उसकी लाइफ बढ़ेगी। इसी प्रकार से 6 प्लेट के ब्रेक दिए गए हैं जो कि तेल में डूबे हुए हैं, अलग से कोई सप्लाई नहीं है, तेल के अंदर डूबे हुए ब्रेक हैं। बाकी सब मोस्ट ऑफ ट्रैक्टर में 6 इंच लंबे आते हैं, इसके अंदर 8 इंच लंबे हैं। दूसरों के अंदर 3 प्लेट्स आती हैं, इसके अंदर 5 प्लेट्स दी गई है। हर प्रकार का इसमें दिया गया है। वाइब्रेशन फ्री ट्रैक्टर है, वाइब्रेट नहीं करेगा, हाँ वाइब्रेट मैंने नहीं इसके बारे में काफी सुना है कि इसके वाइब्रेशन है ना बहुत कम है वो ट्रैक्टर के मुकाबले। सबसे खास बात इसमें जो है, हर 4500 हॉर्स पावर की श्रेणी के किसी भी ट्रैक्टर के मुकाबले प्रति घंटा 1 लीटर डीजल की बचत करता है। आप किसी भी तरह के इस्तेमाल कीजिए, किसी भी इंप्लीमेंट में जोड़िए, उसके बराबर में आप काम करेंगे तो आपको लगभग हर घंटा 1 लीटर
डीजल की बचत, जो आज के महंगाई के दौर में डीजल पेट्रोलियम प्रोडक्ट के जो प्राइस हैं बहुत हाई लेवल पे हैं, और आज के समय डीजल की बचत सबसे महत्वपूर्ण है। एक बार जोड़ तोड़ करके किसान ट्रैक्टर तो ले लेगा, लेकिन बाद में रोजाना के खर्चों से बच जाएगा। ट्रैक्टर महंगा है निसंदेह, इसमें कोई शक नहीं है। इसकी जो रेंज स्टार्ट होती है आप 7.5 लाख रुपये से स्टार्ट कर दो और 7,65,000 रुपये तक 4501 के प्राइस है। इसी प्रकार से जो 5501 आता है बहुत पावरफुल ट्रैक्टर है, उसकी भी काफ़ी, वो भी जापानी टेक्नोलॉजी, वो कम्प्लीटली इम्पोर्टेड ट्रैक्टर है जो बाहर से पैक आता है। यहाँ पे टायर बैटरी और जो दो तीन आइटम यहाँ पे लगाए जाते हैं उसके बाद में यहाँ पे सप्लाई किया जाता है, वो कम्प्लीटली इम्पोर्टेड ट्रैक्टर है और इसको फरीदाबाद में असेंबल करते हैं। कुछ लोगों की असेंबल फरीदाबाद में होता है। कुछ लोगों की शिकायतें ये आती हैं या कुछ लोगों को संदेह इस बात का रहता है कि स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि मेंटेनेंस फ्री ट्रैक्टर है, इसको किसी स्पेयर पार्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कंपनी कितने साल की गारंटी वारंटी देती है इसकी? 5 साल की वारंटी देती है कंपनी। अच्छा। इसके अंदर से आप बैटरी, सेल्फ और टायर, अच्छा, ये जो है तीनों चीजें, बैटरी की एक्साइड वाला गारंटी देगा, सेल्फ की सेल्फ वाला गारंटी देगा, टायर की टायर वाला देगा। बाकी पार्ट्स जो है उनकी वारंटी गारंटी जो है, कलर की गारंटी 1 साल की रहती है, अच्छा, और बाकी मशीन की वारंटी 5 साल की रहती है। अच्छा। कई लोगों का जो संदेह रहता है स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलता है, आप किसी भी डीलर के पास में जाओगे आपको लगभग हर प्रकार का स्पेयर पार्ट्स मिलेगा। इन केस नहीं भी मिलता है तो कंपनी 3 दिन में स्पेयर पार्ट्स मुहैया करवा देती है। अच्छा, कंपनी का नंबर पे कॉल करो और कंपनी आपको, कंपनी के पास नंबर पे फोन कीजिए, वहां से आपके पास में मैकेनिक का फोन आएगा, आपसे जानकारी लेगा क्या समस्या है, आपको पार्ट नंबर मिलेगा। नजदीक के डीलर पे आप जाके आप उसका टोकन मनी जमा करवा दीजिए, आपका जो महंगा आइटम होगा तो आपको वो 3 दिन के अंदर अरेंज करवा के दे देगा। आप पिछले टायर कितने उसके हैं? 14 और 28 के टायर आते हैं। अच्छा, लिफ्ट कैपेसिटी क्या रहेगी? लिफ्ट कैपेसिटी 2 टन तक की लिफ्ट कैपेसिटी रहती है। अच्छा। लिफ्ट इसकी काफी पावरफुल है। अगर कोई किसान लेना चाहे तो वो क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर आवे यहाँ पर? देखिए, यदि किसान को कैश पेमेंट में यदि ट्रैक्टर लेना, इन द सेंस मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई इसको लोन नहीं करवाना है, तो एक चेक से पेमेंट कर सकता है, 2 चेक से कर सकता है, 3 चेक से पेमेंट कर सकता है। अच्छा। बैंक से यदि लोन करवाना है, उसको यदि लोन 5 लाख रुपए तक का चाहिए, तो आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, KYC के आधार पर आपको 5 लाख का लोन मिल जाता है। उसको यदि ज़्यादा लोन की आवश्यकता है, बैंक जो है लगभग सभी बैंक जो है उसको 75% तक लोन जो है 2 एकड़ जमीन की फर्द, आधार कार्ड, पैन कार्ड, यदि उसका बैंक का रिकॉर्ड अच्छा है तो 75% लोन दे देंगे। 3 एकड़ की वो फर्द देता है तो उसको 80-85% तक बैंक लोन मुहैया करवा देते हैं। उसका बैंक का रिकॉर्ड सही होना चाहिए, लेन देन उसका साफ सुथरा होना चाहिए। धन्यवाद अंकल जी, आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी। कोई किसान अगर लेना चाहे तो एक नंबर की चॉइस है जी, और इस पर थोड़ा और व्यू करके दिखा देता हूँ मैं, वैसे कहाँ पर क्या लगा रखा है और अभी दिखा रहे हैं आपको थोड़ा। अंकल एक बार स्टार्ट करके दिखा दोगे इसको? तो अभी इसको स्टार्ट करके दिखाएंगे, थोड़ा मैं पीछे का लुक दिखा देता हूँ। काफी हैवी हुक दे रखे है इसका PTO सिस्टम, और स्पेस काफी है इसमें, 14928 के टायर पीछे और आगे 6016 के। अभी थोड़ा इसको स्टार्ट करके दिखाते हैं, अभी ये पानी की भी टेस्टिंग करके दिखाते हैं क्या रियलिटी है इसमें। देख सकते हो आप बिल्कुल पानी हिल भी नहीं रहा, और एक्सीलेटर भी दबाया है लेकिन कंपन बिल्कुल भी नहीं है, 1% भी कंपन नहीं है। किसान भाई बिल्कुल आराम से, काफी जबरदस्त रिजल्ट है। और ये देख सकते हो आप, बिल्कुल जबरदस्त ट्रैक्टर है, और पानी वाला डेमो हमने करके देख लिया है। थोड़ा एक्सीलेटर दबाइए अंकल, बिल्कुल भी नहीं हिल रहा, बिल्कुल भी पानी, देख सकते हो आप, फुल एक्सीलेटर दबा दिया, कोई हिलने का कोई काम नहीं है। ठीक है अंकल, जबरदस्त रिजल्ट है, जैसा हमने सुना था वैसे आज देख भी लिया, पानी में थोड़ी भी कंपन नहीं है। और थोड़ा आपने मीटर के बारे में दिखा देता हूँ,
थोड़ा अंदर से इसका लुक, ये मीटर में आपका, और ये स्पेस काफी अच्छा है, ये साइड गियर में आता है ये ट्रैक्टर, और यहाँ पर लीवर के बहुत ही अच्छा स्पेस दे रखा है। तो वीडियो कैसी लगी, चैनल ना लाइक शेयर और सब्सक्राइब।